हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेवा विद गणेश। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चौकीदार पद के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा चौकीदार पद के लिए, ये ऑफलाइन फॉर्म है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/9/2022। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाएंगे, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे गृह जिला का नाम, आप अपना जिला का नाम लिखेंगे, अंचल का नाम, अपना कार्यालय का नाम लिखेंगे, आवेदित बीट क्षेत्रों का नाम यानी अपना बीट क्षेत्रों का नाम लिखेंगे, अपना बीट संख्या का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना ग्राम का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक नंबर में आप देखेंगे अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में, दोनों में। उसके बाद दो नंबर में है पिता या पति का नाम, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे वैसे ही। उसके बाद अपना जन्मतिथि यहाँ पर अंकों में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर शब्द में। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिनांक 1/8/2022 तक आपका उम्र कितना हुआ है, साल में लिखेंगे, महीना में और कितना दिन, कितना साल हुए हैं आप, कितना महीना, कितना दिन, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद चार नंबर में आप देखेंगे आवेदक का जनजाति या क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख के भी लिख सकते हैं। जैसे मुंडारी दिया हुआ है हो, भूमिज, संथाली, कुडुक, क्षेत्रीय भाषा में है कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद पाँच नंबर में है अभ्यर्थी का स्थायी पता, आप अपना यहाँ पे गांव लिखेंगे, पंचायत लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखेंगे, थाना का नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। उसके बाद है दो नंबर फॉर्म, इसका दो नंबर फॉर्म में आप देखेंगे नंबर 6 पत्राचार का पता, आप अपना एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आवेदित पद का नाम चौकीदार ए तो लिखा हुआ है। आठ नंबर में शरीर पर दो चिन्ह का निशान, आप अपना शरीर के निशान को यहाँ पे लिखेंगे, पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह। उसके बाद 9 नंबर में है शैक्षणिक योग्यता, आपका कितना डिग्री है यहाँ पे लिखेंगे, परीक्षा मैट्रिक, आप मैट्रिक पास हैं तो आप किस बोर्ड से दिए हैं उसका बोर्ड लिखेंगे या विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे। अतीर्णता का वर्ष, आप किस साल पास किए हैं, आपको कितना नंबर मिला है, प्राप्तांक में लिखेंगे, प्राप्तांक का प्रतिशत, आपको कितना परसेंटेज मिला है। उसी तरह बाकी सभी भरेंगे, जैसे कि इंटरमीडिएट का भी आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन का भी भर सकते हैं, अन्य डिग्री का भी आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 10 नंबर, अभ्यर्थी के जाति का श्रेणी, आप किस श्रेणी के हैं, अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 11 नंबर में दिया हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर या संख्या, यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का संख्या लिखेंगे, निर्गत तिथि, इश्यू डेट यहाँ पर लिखेंगे, जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पर लिखेंगे, निर्गत तिथि, उसका इश्यू डेट यहाँ पर लिखेंगे। परीक्षा शुल्क, जो आप डीडी बनाए हैं पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, उसका नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद उसका आप किस दिन उस ड्राफ्ट को बनाया है उसका डेट यहाँ पे लगाएंगे। कार्यानुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोई काम करने की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप उसका नंबर दे सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर में है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आचंदित अभ्यर्थी द्वारा उम्र संबंधित छूट के संबंध में न्यायाधीश के प्रति संलग्न है अथवा नहीं, अगर आप इस पोस्ट के लिए आरक्षण चाहते हैं तो उसके लिए आपको कागजात जमा करना पड़ेगा। जैसे ST SC के लिए आरक्षण दिया हुआ है तो उसके लिए आपको जाति आवासीय प्रमाण पत्रों को अटैच करना है, साथ में जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तिथि लिखना है, कौन सा तिथि, आप जिस दिन ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस आपका स्थान लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद कम्प्लीट इस फॉर्म को भरने के बाद आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी इस फॉर्म को उस ऑफिस तक भेज सकते हैं या आप डायरेक्ट ऑफिस जाके भी ये फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।